शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कीर्ति बेटा, क्या हुआ बेटा? अरे हुआ क्या? अरे तुम रो क्यों रही हो? अच्छा बैठो, बैठ के बताओ क्या हुआ। क्या हुआ? पापा, हम वरुण जी के साथ नहीं रहना चाहते, हमें घर वापस आना है। क्या? पापा, अब हम दोनों के बीच में प्यार ही नहीं बचा तो एक छत के नीचे रहने का क्या फायदा? होश में तो हो कीर्ति, तुम कह क्या रही हो? वरुण जी ने तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, और तुम हमारे सामने आके ये रोना रो रही हो कि वो तुम्हें प्यार नहीं करते। हमें भी छोड़ के जा रहे हैं वो पापा, दिल्ली अपने काम से। अरे काम के लिए तो जा रहे हैं कीर्ति। उन्होंने हमें पैसे भी नहीं दिए घर चलाने के लिए, और कहते हैं दीदू से सीखो, घर का ऑफिस का सारा काम कर लेती है वो। वाह कीर्ति, दीदू की दो तारीफें क्या कर दी, तुम्हें बुरा लग गया। बस ये नहीं कहा पापा, ये भी कहा क्यों अफसोस करते हैं कि उनकी शादी हमसे क्यों हुई, दीदू से क्यों नहीं, कैसे रहे ऐसे रिश्ते में हम? बेटा वरुण जी तुमसे प्यार करते हैं। अरे हो गई होगी कोई गलतफहमी, इंसान कभी कभी गुस्से में कुछ भी बोल देता है। हम सच कह रहे हैं पापा, उन्हें सिर्फ यही पड़ी होती कि हम दीदू की तरह जिम्मेदार क्यों नहीं है, हम दीदू की तरह सारा काम क्यों नहीं कर लेते। बस सच तो कह रहे हैं वो, हमें पता है कि वो गलत नहीं है, लेकिन हम दीदू नहीं है। और तुम कभी बन भी नहीं सकती कीर्ति, सबकी गलतियां गिनवा रही हो हमें, पर अपने पापा को ये क्यों नहीं बता रही कि तुमने ऐसा क्या किया है कि वरुण जी को ऐसा बोलना पड़ा? बताओगे नहीं तुम? चलिए, मुझे खुशी इस बात की है कि कम से कम आप उससे बात तो कर रहे हैं। अरे यार तुम अपनी ये नौटंकी बंद करो, और ये बताओ इतने बड़े आदमी से तुम उस कीर्ति के लिए क्यों पंगा ले रही हो? क्योंकि कीर्ति मेरी बहन है अभय। वो बहन जो तुम्हें हर जगह बेइज्जत करती है, उसके लिए तुमने अपनी नौकरी दांव पे लगा दी है। मैं खुश हूँ अभय, कम से कम आपको मेरी चिंता तो है। अभय, मुझे इस वक्त अपनी नौकरी से ज्यादा इस परिवार की चिंता है, और ये हार वापस पाकर अगर हमारे परिवार के लोग फिर से एक हो जाते हैं तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। और ऐसे में एक नौकरी क्या, मैं हजार नौकरी को भी दाव पर लगा सकती हूँ। बस किसी तरह से मुझे कल सुबह तक किसी भी हालत में उस आदमी से वो हार निकलवा के रहना है। ये लीजिए, मैंने अपना वादा पूरा किया। हाँ दीदू, ये हार ना हमारे लिए ही बना था, हम पे ही सुंदर लग रहा है। मैं तुझसे कह रही हूँ ना, अभी घर जा। पक्का? पापा हार ढूंढ लेंगे ना। आपके लिए सिर्फ एक जेवर होगा, पर ये खानदानी हार एक परिवार के लिए उनका मान उनका सम्मान होते हैं। अगली बार आपने किसी के घर के मान सम्मान को ऐसे छीनने की कोशिश की तो मैं पुलिस बुलाने से पहले दो बार नहीं सोचूंगी। ठीक है ठीक है,
मुझे मेरा जेवर वापस कीजिए भी। एक मिनट, मैंने कहा था ना तुमसे, शेर कभी भी अपना शिकार नहीं छोड़ता, पूरा का पूरा खाता है। मुझे मेरा जेवर वापस कीजिए भी। और रतन लाल को जो जेवर पसंद आ जाते हैं ना, उसका हो जाता है। छोड़ो, हट। रतन लाल से पंगा, ये देख मैं अपने सारे जेवर और ये तेरा खानदानी हार लेके जा रहा हूं। चल, 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 मेरा हार वापस करो। मैंने बोला छोड़, छोड़ मेरा पेड़। मैंने बोला छोड़, छोड़ मेरा पेड़। हार वापस करो। मैंने बोला छोड़। ये क्या कर रहे तुम? छोड़ो मेरा कॉलर, वरना। तेरे वरना की ऐसी की तैसी। तुमको जो चाहिए ले लो, मुझे जाने दो, ये दो, मुझे जाने दो। क्या कर रहे हैं आप? अबे छोड़िए, छोड़िए अबे, अबे आप बेकार में फंस जाएंगे। प्लीज छोड़िए अबे, क्या कर रहे हैं आप? अबे प्लीज छोड़िए। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब आप आ गए, मैं बेगुनाह हूँ, चोर तो ये लोग हैं। चुप, सारी कहानी थाने चल के सुनाना। अच्छा हुआ मैं आप वक्त पर आ गए, वरना वरना तो पूरे डायलॉग नहीं सुना तुमने, वरना ऐसे की, वरना ऐसे की तैसी। चलो अब रोना बंद कर, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना। देख लूंगा मैं तुम लोगों। तुझे मैं दिखाता हूँ। अबे जा रे, जो देखने दिखाना ना थाने जाके करना। चल थाने चल, पहले अपने साथियों का नाम बता। चल किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।